कर्व्स, दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स है उसे यूज करना उससे भी ज्यादा। लेकिन अगर एक बार फंडामेंटल समझ के तुम कर्व्स को मेंटेन कर पाओ ना सही से, तो खूबसूरती 10 गुना बढ़ जाती है, चाहे वो एडिटिंग हो या फिर लड़कियां। कर्व्स, ओ बॉय, ये एक ऐसा चीज है एडिटिंग में जो बच्चे स्कूल से भी ज्यादा नफरत करता है। तुम लोगों को ही बच्चे बोल रहा हूँ। द ओनली डिफरेंस इज कर्व तुम्हें एक्चुअल में बहुत हेल्प करेगा एडिटिंग में, बहुत। तो मैं आज मेनली बात करने वाला हूँ लाइट रूम कर्व्स के बारे में, लेकिन टेक्निक्स फंडामेंटल्स एग्जैक्टली सेम है कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन का, चाहे वो फोटो हो या वीडियो, मोबाइल हो या डेस्कटॉप। तो लाइट रूम पे तुम्हें नॉर्मल एक्सपोजर और लाइट के साथ छेड़खानी करने के बाद मिलेगा कर्व्स। तो पहले बेसिक कुछ पॉइंट्स, नीचे से एकदम ये पॉइंट है ब्लैक, उसके ऊपर है शेडोज, उसके ऊपर मिड टोन्स, उसके ऊपर हाईलाइट और उसके ऊपर वाइट और सबसे ऊपर ईगो। सो ये पॉइंट है ब्लैक, मतलब फोटो की जिस पार्ट में कोई भी लाइट नहीं है, नो डिटेल्स, एकदम ब्लैक। उसके बाद ये सेक्शन शेडोज, इमेज की जिस सेक्शन पे लाइट बहुत कम है, सबसे कम है, द डार्केस्ट पार्ट बट विद डिटेल्स, एकदम ब्लैक नहीं। उसके ऊपर आता है मिड टोन्स, मतलब इमेजेस की जिस सेक्शन में लाइट का एक्सपोजर प्रॉपरली आता है, मतलब प्रॉपर एक्सपोज होता है जो न्यूट्रल कलर्स, वो होता है मिड टोन्स। उसके ऊपर आता है हाईलाइट, मतलब इमेज की जिस पोर्शन में लाइट सबसे ज्यादा है, मतलब द ब्राइटेस्ट एरिया बट विद डिटेल्स, पूरा व्हाइट नहीं। क्यों? क्योंकि व्हाइट आएगा उसके भी ऊपर, एकदम व्हाइट पॉइंट विथ नो डिटेल्स। ये तो हो गया लाइट के हिसाब से ल्यूमिनोसिटी कर्व। उसके बाद आता है RGB, द कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू, द प्राइमरी डिजिटल कलर्स। क्यों? क्योंकि इसी कलर्स को तुम मिक्स एंड मैच करके, कम ज्यादा करके कोई भी डिजिटल कलर्स अचीव कर सकते हो। जैसे रेड को कम करोगे तो मिलेगा साइन, ग्रीन को कम करोगे तो मिलेगा मैजेंटा, ब्लू को कम करोगे तो मिलेगा येलो, और ईगो को कम करोगे तो मिलेगा लाइफ में परफेक्शन। उसी परफेक्शन के लिए Adobe Lightroom ने एक मस्ट टूल ऐड किया है, विच इज पैरामेट्रिक कर्व्स। ये क्यों? क्योंकि नॉर्मल कर्व्स ना बहुत सेंसिटिव होता है। ओ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ द कर्व्स। थोड़ा सा भी मूव करने से ये बहुत फास्ट मूव होता है, इसीलिए टाइनी एडजस्टमेंट के लिए और वो परफेक्शन के लिए Lightroom ने ऐड किया है पैरामेट्रिक कर्व्स, जहाँ पे बहुत स्मूथ और धीरे बहुत छोटा छोटा मूवमेंट तुम कर सकते हो फाइनली। तो स्टार्टिंग में ये एकदम फ्लैट स्ट्रेट लाइन रहेगा, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतार चढ़ाव उतना ज्यादा आएगा, लाइक जिंदगी। तो ये सब तो हो गया थ्योरी, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो बेसिक फंक्शन क्या है? तुम कोई भी पॉइंट पे क्लिक या मोबाइल के लिए टच कर सकते हो, जिसको ऊपर करने से वो ब्राइटर होगा वो पॉइंट, नीचे करने से डार्कर होगा, और कलर्स के लिए ऊपर करने से वो कलर तुम्हें ज्यादा मिलेगा और नीचे करने से उसकी ऑपोजिट कलर तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इसमें मुझे कोई भी पार्ट पूरा प्योर व्हाइट नहीं चाहिए। सो व्हाइट का पॉइंट कौन सा है? सबसे ऊपर। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा ताकि कोई भी ओवर एक्सपोज्ड पार्ट नहीं रहे पिक्चर में। सेम विद द ब्लैक, अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा तो प्योर ब्लैक, मतलब जो एकदम अंडर एक्सपोज्ड पार्ट होता है, वो कोई भी इमेज का पार्ट अंडर एक्सपोज नहीं होगा। अब सपोज मुझे शेडो में थोड़ा डार्कनेस चाहिए, मतलब थोड़ा डार्कर शेडोज चाहिए, तो शेडो वाले पोर्शन में एक पॉइंट क्रिएट करके हम नीचे ड्रैग करेंगे ताकि शेडो वाला पोर्शन थोड़ा डार्क हो जाए। पर मिड टोन्स में मुझे कोई भी छेड़खानी नहीं चाहिए, पर फिर भी हम मिड टोन्स में एक पॉइंट डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे हाईलाइट्स को थोड़ा ऊपर करना है, थोड़ा ब्राइट करना है, तो मेरा मिड टोन्स में ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो देख रहे हो कैसे अलग अलग पॉइंट क्रिएट करके तुम मैनुअली सेक्शन टू सेक्शन वाइज कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो। अब इसका शेप कैसा लग रहा है? S, this is called S curve. This is the thumb rule for creating great contrast in your image. पर चलो इसे रीसेट करके हम सिर्फ कलर्स को देखते हैं। अब सपोज मुझे इसमें शेडोज में थोड़ा ब्लू टिंट चाहिए, तो मैं ब्लू वाले कर्व्स में जाऊंगा और मिड टोन्स एंड हाईलाइट सेक्शन पे दो पॉइंट क्रिएट कर दूंगा। क्यों? ताकि जब मैं शेडोज में ब्लू के साथ छेड़खानी करूं तो मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स पे इफेक्ट ना हो। तो सिर्फ शेडो पॉइंट को ऊपर करने से देखो, अब मान लो मुझे इतना ब्लू नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा टील टिंट चाहिए, तो क्या ऐड करना है? थोड़ा ग्रीन, तो लेट्स गो टू द ग्रीन। और सिमिलरली मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स पे दो पॉइंट्स, और शेडो वाली पार्ट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अब मान लो मुझे हाईलाइट्स पे थोड़ा रेडिश टू ऑरेंज टोन चाहिए, तो
तो यहाँ पे रेड पे जाके तुम हाईलाइट सेक्शन को पकड़ के रेड को ज़्यादा कर सकते हो, या फिर ग्रीन्स पे जाके तुम हाईलाइट पॉइंट को थोड़ा डिक्रीज कर सकते हो। उससे क्या होगा, ग्रीन्स का ऑपोजिट कलर तुम्हें मिलेगा, विच इज पर्पल टू मैजेंटा टू रेडिश। और ये सब हो जाने के बाद फाइनल एडजस्टमेंट के लिए हम जाएंगे पैरामेट्रिक कर्व्स। यहाँ पे देखना, जो एडजस्टमेंट तुमने लाइटिंग वाले कर्व्स में किया है वही एडजस्टमेंट ऑलरेडी ये दे देगा तुम्हें। यहाँ पे तुम ओवरऑल थोड़ा स्मूथ और थोड़ा टाइनी एडजस्टमेंट कर सकते हो लाइक दिस। और ये जो हुआ है ना, सिर्फ कर्व से हुआ है, मैंने और कुछ छुआ भी नहीं है, समझ रहे हो उसका पावर। बट अगर करते टाइम फिर भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो कलर्स को भूल के पहले एक्सपोजर वाली लाइट कर्व्स को 3 points की एस कर्व बना के ना अलग अलग इमेज पे नॉर्मली प्रैक्टिस करो। तो देखना शांति से धीरे धीरे एक बार हाथ पे कंट्रोल आ गया ना तो पिक्चर्स पे भी लचक आ जाएगी। जैसे मेरे मन में आता है जब तुम लोग लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताते हो कैसा लगा। और इसी खुशी में आई वांट टू से टू ऑल ऑफ माय बंगाली ब्रोस फ्रॉम बंगाल, दुर्गा पूजो सबार शेरा काटुक, मेबाजी एक टू कम, बट ऑलवेज रिमेंबर टू हैव अ लिटिल पेशेंस इन द डिफिकल्ट टाइम्स। उतार चढ़ाव के बिना फ्लैट कर्व तो इमेज के लिए भी अच्छा नहीं लगता, जिंदगी में कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो।